उत्तर भारतीयों का महापर्व छठ पूजा प्रारंभ होने वाला है और अब तक वार्ड 22 नकटा तालाब की साफ सफाई शुरू नहीं हो पाई थी। जब वार्डवासियों ने वार्ड 21 की पार्षद से शिकायत कर यथास्थिति से उन्हें अवगत कराया तब उनके द्वारा निगम के माध्यम से युद्ध स्तर पर तालाब की सफाई प्रारंभ करवाई गई। इस बार भी वार्ड के परिसीमन का खामियाजा वार्ड 21 के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वार्ड 21 के समीप स्थित नकटा तालाब अब वार्ड 22 में चला गया है और वार्ड 22 के पार्षद की उदासीनता और अनदेखी की वजह से तालाब की साफ सफाई अब तक नहीं हो पाई है और इस तालाब में वार्ड 21 के अलावा पूरे शहर भर से उत्तर भारतीय अपने महापर्व छठ पूजा करने आते हैं। वार्ड 21 के रहवासियों ने अपने पार्षद से इसकी शिकायत की तो वे तत्काल मौके पर पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया एवं विलम्ब न करते हुए तत्काल निगम महापौर से संपर्क स्थापित कर निगम के कर्मचारियों को साफ सफाई के लिए तालाब पर तैनात कर दिया गया जिससे अब तालाब की साफ सफाई प्रारंभ हो गई है। तालाब में अभी पानी का स्तर ज्यादा है जिसे सफाई करने में काफी दिक्कतें आ रही है। इसके लिए वार्ड 21 की पार्षद नेहा साहू ने तत्काल पानी के लेवल को कम करते हुए त्वरित सफाई के आदेश निगम के अमले को दिया है। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किया गया था। यहाँ वार्ड 22 कुरुद में बहुत ही प्राचीन बहुत ही पुराना हमारा नकटा तालाब है और छठ पर्व के लिए यहाँ पे लोगों की आसपास के सभी वार्ड वालों की श्रद्धा है। छठ पर्व सामने आने वाला है और गंदगी का आलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो महापौर जी का और नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा जैसा कि सूचित किया गया है कि सभी तालाबों को जो है स्वच्छ किया जाए, पर्व के लिए साफ़ सुथरा व्यवस्थित किया जाए उस ओर हम लोग कार्य करते हुए यहाँ पहुँची हूँ मैं। और निरीक्षण करने के बाद हमने सबने मिलकर सफाई व्यवस्था को करने के लिए हमने सारी गैंग लगवाई है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर हम इस तालाब को पवित्र और साफ़ कर दें पर्व के लिए। हो रहा है तालाब बहुत पुराना और बहुत प्राचीन है। ये तालाब बहुत लोगों की आस्था है और काफ़ी बड़ा और तालाब है लेकिन स्वच्छता में इस तालाब की काफ़ी अनदेखी हो रखी है और जैसा कि आप पीछे देखेंगे ही कि बहुत ज़्यादा अनदेखी है इस तालाब की। यहाँ पे सफाई अच्छे से नहीं हो रखी है, लोगों की बहुत शिकायतें आ रही हैं कि तालाब पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है पर हम उस ओर अभी ध्यान दे के कोशिश कर रहे हैं कि इस तालाब को स्वच्छ करें और आने वाले पर्व के लिए तैयार करें। इसमें महापौर जी का सहयोग है और सारे तालाब को स्वच्छ करने का जैसा कि उनका निर्देश है उस ओर कार्य करते हुए हम इस तालाब को भी ध्यान देते हुए इस पर नकटा तालाब में वार्ड 21 के पार्षद के द्वारा छठ महापर्व को देखते हुए सक्रियता से साफ सफाई कराने को देखते हुए श्रद्धालुओं ने दिल से उनका आभार जताया है। ये इस चीज़ के बारे में शिकायत वो पिछले साल से किया जा रहा है और पिछले साल भी यहाँ के सफाई को ध्यान नहीं दिया गया था तो लास्ट ईयर भी हमने खुद ही स्वयं जो हमारी टीम के जितने भी पर्सन थे कुछ तालाब पे जाके जितना भी उपाय सफाई की है कुछ निगम से कुछ सपोर्ट मिला था बट वो बहुत ज़्यादा हमको फ्रूटफुल नहीं रहा था। फिर इस साल की गर्मी से हम शुरुआत से इसकी शिकायत कर रहे थे और लगे भी हुए थे गर्मी के समय से सफाई करने के लिए पर अभी भी ये स्थिति देख रहे हैं कि अब पिछले साल से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति इस बार हो गई है। अब फिर 4 दिन बचा हुआ है, हर जगह शिकायत की गई हुई है, मतलब जहाँ जहाँ बोल सकते हैं जो भी यहाँ के जो पार्षद महोदय हैं या जो भी है जिनके अंडर में ये सब पूरा एरिया है तो अभी तक कोई रिजल्ट मिला नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कि एज इट इज़ मतलब पूजा कैसे ही करें आदमी। आज यहाँ बात हुई कि यहाँ को सफाई के लिए किस तरीके से क्या किया जाए तो हमारे जो 21 नंबर वार्ड के जो पर्यावरण सदस्य हैं है ना वो आए नेहा साहू जी और उनके माध्यम से अभी जो भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है फिलहाल स्टार्ट हो चुका है और अभी उन्होंने बोला कि और भी काम चालू हो जाएगा थोड़ी देर बाद या कल से तो अभी अब उन्हीं से भी फिलहाल तो भी उम्मीद है बाकी अब देखते हैं। अब भी निगम क्षेत्र में कुछ तालाब अपने सफाई की बात जो रहे हैं कि कोई तो इन तालाबों पर अपनी नजरें इनायत करे जिससे यह तालाब भी अपने खोते हुए अस्तित्व को वापस पा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।